हेदा लुईस, हाउ आर यू ऑल? कितना प्यारा दिन है आज, 111। जी हाँ, नवंबर का महीना शुरू हो गया है, आज है 1st of November। हैप्पी करवा चौथ टू everyone, टू एवरी वन, नो मैटर आप व्रत रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, मैरिड एंड नहीं मैरिड, इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आज की एनर्जीज बहुत डिफरेंट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जो कि रीडिंग्स आएगी 12:12 पर। ये पहली रीडिंग्स है जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है आज संकेत डिवाइन का। साथ ही साथ गाइस, आज वेडनेसडे भी है, सेंट एक्सपेडाइट का डे भी है, सो आई एम गोइंग टू पोस्ट द मेडिटेशन वीडियो एट नाइट। लेकिन आज का मेडिटेशन का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एंजल 111 से भी प्रे करेंगे, विद दैट हम लोग सेंट एक्सपेडाइट से भी प्रे करेंगे। मैजिकल डे विथ मैजिकल एनर्जीज, तो वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं, आज की एनर्जीज चेक करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। आपका प्यार ऐसे ही बनता रहेगा तो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों के साथ बहुत आगे भी मैं बढ़ पाऊँगी। कल रात मैंने गणेश जी का एक वीडियो पोस्ट करा था एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इतने सारे लोगों ने शुरू कर दिया है। ट्रस्ट मी गाइज, ये एक ऐसा मंत्रा है, महामंत्रा है, जो ऐसी सिचुएशंस पे वर्क करता है जहाँ पर सब लगता है कि बिखर गया है, ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करा है तो ज़रूर चेक करें। बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं क्या मैसेज है। आज थोड़े ज़्यादा कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है, करवा चौथ का दिन है, साथ ही साथ आज है 111 एंजल का दिन। तो लेंगे मैसेज डिवाइन का और देखते हैं कि आज के दिन एंजल्स भी मेरे व्यूवर्स को क्या एक संकेत, क्या एक मैसेज देना चाह रही हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं आज 1st November मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। 1st November मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। 1st November मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। 1st November मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। और गाइज, अगर आप अनमैरिड हैं तो आज के दिन अपनी मम्मियों को बिल्कुल भी तंग ना करें। मम्मियों को आज ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट करें, उनके लिए कुछ नहीं तो रोज़ ले आएँ, फूल ले आएँ, गुलदस्ता ले आएँ। आपकी मम्मी को चॉकलेट्स पसंद है तो चॉकलेट्स खिलाएँ, पेस्ट्री खिलाएँ, पान पसंद है तो पान खिलाएँ। जब व्रत खोले तो उनकी कुछ पसंदीदा चीज़, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जी हाँ, ये मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, मैटर नहीं करता। अगर आपके घर में आपकी भाभी भी अगर व्रत रख रही हैं, आपकी मम्मी भी व्रत रख रही हैं, नहीं रख रही हैं, कोशिश ज़रूर करें कि आज अपनी भाभी मम्मी, ऐसा नहीं कि भाभी हैं दूसरे की हैं, नहीं, अब वो आपकी भाभी हैं, अब आपका भी उन पर पूरा हक है। अपनी भाभी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दें और ज़रूर आज अपनी भाभी को भी खुश करने की कोशिश करें। तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल आज आपको करना है और मेरे साथ वीडियो शेयर करनी है व्हाट्सएप पर। चलिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और बताते हैं कि क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन 1st November मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके माय गॉड, बड़े अच्छे से फ्लिप हुआ आज ये कार्ड। ऑर्डिनरीज, वी हैव फ्लावरिंग, वाओ, वी हैव न्यू विजन, दैट्स ग्रेट। मेरी वॉइस को सुन के थोड़ा इरिटेशन हो रहा होगा ना, क्या करें गाइस, बहुत बुरा इन्फेक्शन है जो कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और मुझे ना जलजीरा पीने की इतनी आदत हो गई है ना, तो मैं अपना गला और ख़राब करती जा रही हूँ। ऐसा लगता है जलजीरा पियो। आप बोलोगे मैम क्या बातें कर रहे हो, रीडिंग्स की बातें कर रहे हो और आप खाने पीने की बातें कर रहे हो। मैं आप लोगों के साथ ही तो सब कुछ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ ही सब कुछ बताती हूँ। द फूल का कार्ड भी आया है, वाओ, दैट्स ग्रेट, गोइंग विद द फ्लो। और एक और कार्ड, वी हैव द ड्रीम। बॉटम डेक जो हमारे पास आया हुआ है आज के दिन वो है, वाओ, एडवेंचर, दैट्स ग्रेट। सारे कार्ड्स आप लोग के सामने हैं। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। आप लोग को ऑलरेडी दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स आप लोग के सामने आए हैं। वी हैव ऑर्डिनरीज, फ्लावरिंग, न्यू विजन, सप्रेशन, ब्रेक थ्रू, प्रोजेक्शन, द फूल, गोइंग विद द फ्लो, द ड्रीम एंड एडवेंचर। सारे कार्ड्स की एनर्जीज आप लोग के सामने हैं। बॉटम डेक का इंडिकेशन लग रहा है कि कुछ अनोखा हो सकता है, कुछ स्पेशल हो सकता है, कुछ नई चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ हो सकती हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया महीना न्यू विजन, न्यू एनर्जीज का दिखाई दे रहा है, नई उम्मीद का, नए समय का दिखाई दे रहा है।
पास्ट का कुछ महीना हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हो, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रोए हो, बहुत अपसेट हुए हो, बहुत यू नो डाउन फील कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है कि जो सपने आपने देखे हैं, जिन सपनों पर आप वर्क करना चाह रहे हो, अब एक वो रियल टाइम आ गया है जहाँ चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। जैसा चल रहा है उसको चलने दो, जो चल रहा है गो विद द फ्लो चलो, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है बहुत अच्छे अच्छे संकेत मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल आइडियाज़, सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत चीज़ों की रियल पिक्चर्स आने वाली है। हो सकता है कि कोई आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश करे, कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, आपके सामने कुछ चीज़ों की रियल पिक्चर आते हुए भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि उदासी बहुत है, कुछ लोगों के अंदर उदासी बहुत है। हो सकता है पास्ट के पिछले महीने कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जिसको लेकर अंदर ही अंदर उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे होंगे, उस वजह से दिल बहुत टूटा है, उस वजह से दिल बहुत उदास है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अब आने वाला समय एक अच्छाई को लेकर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है। और इस दिन ये भी लग रहा है कि आज ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत इंडिकेशंस मेरे व्यूवर्स को मिल सकते हैं, कुछ अनोखा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बहुत समय से चाही हो, जिसके बारे में आपने बहुत समय से सोचा हो, हो सकता है डिवाइन आपकी वो चीज़ पूरी करने की कोशिश करे, डिवाइन आपको जोन में लेकर जाएं। तो ये जितना आपका दिल तोड़ा है ना, ये जितना आपका दिल टूटा है, अब डिवाइन आपको एक ऐसे फेस की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपको अनगिनत खुशियाँ मिलने वाली हैं। कोशिश ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें कि अपनी एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इतनी सारी जब गुड न्यूज़ आ रही हैं तो हमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों पर नहीं बैठना है। जब इतनी सारी गुड न्यूज़ आ रही है तो हमें अपसेट नहीं होना है, हमें आने वाली न्यू बिगनिंग्स पर वर्क करना है, हमें आने वाले न्यू समय पर वर्क करना है, हमें चीज़ों को लेकर उदास नहीं होना है, हमें चीज़ों को लेकर नेगेटिव फील नहीं करना है। धीरे धीरे हर चीज़ की स्टेबिलिटी अपने आप बनना शुरू होगी, लेकिन विद द टाइम होगी। आज का दिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्जॉय बहुत करोगे। देखो मैंने कहा ना फ्लावर ज़रूर देना, और माता रानी ने ऐसा ही संकेत दिया कि आपके पास फ्लावर आया हुआ है, तो ज़रूर आपको खुश करना है लोगों को। और ये सोच के मत करो कि मैं किसी को खुश करूँगा तो भगवान मुझे खुशी देंगे, नो। हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना है, हमें हमारे कर्म पर वर्क करना है। अगर हमारे डीड्स अच्छे होंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो हमारा आने वाला समय अपने आप ही अच्छा होगा। देखो पास्ट में या पूरे पुराने ज़माने में बोला जाए, या पिछले कुछ कर्म हमारे ख़राब हुए होंगे, तो वो भुगतना तो हमें यहीं पर ही है, राइट? लेकिन अब जो आने वाला समय है, एटलीस्ट हम उसे अच्छा कर सकते हैं, हम उसे अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए अपने डीड्स पर वर्क करें, लोगों को खुश रखें, लोगों को जितना खुश रखोगे आप अपने कर्म को उतना अच्छा बनाओगे। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, सबको आता है, और वो गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा भी हुआ है, आप उससे बाहर भी निकलना चाह रहे हो, लेकिन डीप डाउन आपके अंदर इसके बैठे हुए हो, लेकिन डिवाइन का इंडिकेशन है कि वो आपको एक अच्छे जोन की तरफ लेकर जाएंगे, वो आपको एक अच्छा समय दिखाएंगे, वो आपको चीज़ों में एक अच्छी स्टेबिलिटी देंगे। तो अभी ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, ये जो न्यू आइडियाज़ बन रहे हैं आपके लिए, इसको खुशी के साथ इन्जॉय करोगे तो आपको और नई खुशियाँ, आपको और नई चीज़ें मिलेगी। और कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी लाइफ चल रही है इट्स गोइंग ग्रेट, और आने वाला टाइम अपने आप और अच्छे बदलावों को लेकर आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, नो मैटर हाउ नेगेटिव द सिचुएशन इज़ और नो मैटर हाउ नेगेटिव यू हैव बिकम, राइट? आप भी बन गए होंगे पिछले कुछ मंथ्स के एक्सपीरियंस की वजह से, बट आने वाला समय अच्छा समय लेकर आ रहा है, और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड बढ़िया होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, लेकिन डिवाइन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो आपने कर ही लिया होगा, थैंक यू सो मच उसके लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं 12:12 पर न्यू रीडिंग्स के साथ, लव एनर्जीज के साथ, और 8 बजे स्पेशल वीडियो पोस्ट होने वाला है ऑफ 111 एंजल, साथ ही साथ सेंट एक्सपेडाइट मेडिटेशन ऑल टुगेदर। सोचो कितनी हाई एनर्जीज होगी, और इन हाई एनर्जीज में जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, चीज़ें कितनी परफेक्ट होने वाली हैं। इस महीने आ रहा है 11-11 पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है फॉर मैनिफेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार आता है और बहुत मैजिकल होने वाला है, क्योंकि दिवाली भी साथ में है और पोर्टल भी आ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत प्यार करें, आज अपनी मम्मी भाभी दीदी जिसने भी फास्ट रखा है उनकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बल्कि रोज़ करनी चाहिए, बट आज उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्पर की ज़रूरत होती है, आज उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल की ज़रूरत होती है, तो उसको बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।